मेरा पत्थर पानी पर सबसे अधिक कूदी भी खाएगा और सबसे दूर भी जाएगा। दूर तो जाएगा मगर मुझसे थोड़ा कम। ये कैसा पत्थर है? इस पर तो कुछ लिखा है। अरे ये बच्चा लोग, ये तालाब के किनारे ही का उल्टा सीधा काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ चलो चलो घर जाओ अपने अपने। हम उल्टी हरकतें इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पत्थर पर उकेरी चित्र का मतलब सीधे सीधे समझ पाए। चित्र? हटो जरा, हटो। मुझे तो ये कोई गधा लग रहा है। डंडा और टूटी हुई मटकी, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? ये रहा गधा और डंडा। मुझे ताजे दिमाग से सोचना होगा। ये है क्या? हाँ, आश्रम के गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी तो तीर्थ पर गए हैं। क्या गुरुजी नहीं हैं? तो शिष्य से ही काम चलाते हैं। ये तो बहुत ही कठिन है। मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ से होकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर यहाँ रुककर इनकी साधना नहीं की तो उस फूटे हुए मटके की तरह उसका नुकसान होकर वो गधा बन जाएगा। इस पत्थर को दूध से स्नान करवाओ। हाँ, करवाते हैं। बस बस बहुत हो गया, वो इधर दे दो। ये क्या है? गुरुजी, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई रोको इनको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम अपने पूज्य को नहीं तोड़ने देंगे, कह देते हैं। अच्छा ये क्या है? खजाना? पत्थर पर बना चित्र ये बता रहा था कि हमें किसी लोहे की छड़ से इसे तोड़ने पर तुम्हें खजाना मिलेगा। ऐसा नहीं करने वाला गधा होगा। मगर हमें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके आंख मूंद कर अगर दूसरों की बातों में आओगे तो ऐसे ही मूर्ख बनते जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव। ये खजाना इस गांव का है, इसलिए इसे इस सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि शहर जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। जो आज्ञा गुरुजी।